नए ओवर की पहली गेंद युवराज सिंह को, युवराज सिंह ने उसको खेला तेजी के साथ, दौड़कर एक रन पूरा कर लिया, 271 रन 4 विकेट पर। जीतने के लिए अब 4 रनों की आवश्यकता है। आईसीसी ने एक विशेष कमेटी बनाई थी इस बात के लिए कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहेगा, और उसका ये ब्यौरा दिया गया था कि जरूरी नहीं है कि सबसे ज्यादा रन विकेट और कैच पकड़ने वाले को मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनाया जाए, एक ऐसे खिलाड़ी को घोषित किया जाएगा जिसने सबसे अधिक प्रभावित किया हो इस टूर्नामेंट को। और अभी अभी हमारे कमेंट्री बॉक्स में तुषार ये सूचना लाए हैं कि युवराज सिंह को मैन ऑफ द टूर्नामेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, आईसीसी विश्व कप 2011 युवराज सिंह मैन ऑफ द टूर्नामेंट, लेकिन इस समय नॉन स्ट्राइकर। भारत को जीतने के लिए चाहिए केवल 4 रन। अगली गेंद उठाकर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, ये दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। जोरदार जवाब महेंद्र सिंह धोनी का छक्का और भारत विश्व विजय जाता है। ब्रर, ये था कोका कोला विक्टर। आज तो मैदान मार लिया, आज पूरी दुनिया मुट्ठी में है। भारत 50-50 के विश्व कप का सिरमौर बन गया है और भारतीय क्रिकेट टीम ने भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को एक अनूठा तोहफा दिया है।